हाय एवरीवन, बॉलीवुड की तरफ से एक के बाद बैक टू बैक जबरदस्त मूवी देखने के लिए मिल रहा है और उसी में से एक फाइटर मूवी। और दोस्तों, आप लोग को बता दो, जिस मूवी को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हाल ही में एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें ऋतिक रोशन के एयरफोर्स ऑफिसर की यानी ड्रेस में देखा है। और दोस्तों, इस फोटो को देखने के बाद लोगों के दिल में और भी यानी बेसब्री से यानी इंतज़ार और परेशानी आंखों में दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कब तक इसको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को बता दूँ, इस मूवी का टीजर और ट्रेलर आने में कब तक यानी लेट होगा। और दोस्तों, आप लोग को बता दूँ, इस मूवी का डायरेक्टर यानी कह रहा है सिद्धार्थ अनंत ने कि इस मूवी को रिलीज करने से पहले यानी 3 महीने पहले इस मूवी का ट्रेलर दिखाया जाएगा, उसके आगे यानी छोटा मोटा टीजर और क्लेम्स कभी कभी देखने के लिए मिलेगा अपडेट के रोल में दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को बता दूँ, इस मूवी में जितना VFX विज किया जाएगा कि आज तक कोई मूवी में विज नहीं किया। और इस मूवी को सिद्धार्थ अनंत ने काफ़ी जमदार और ज़बरदस्त बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और दोस्तों, आप लोग पठान मूवी को तो देखे ही होंगे, वो भी सिद्धार्थ अनंत ने ही बनाया। और दोस्तों, आप लोग को बता दूँ, इस मूवी में इतना एक्शन, इतना भरपूर एक्शन होगा कि आप लोग देखते रह जाओगे आखिर किस तरह से VFX विज किया। और जैसे सुनने के लिए मिल रहा है, कोई अपडेट पक्की नहीं है, इस मूवी का VFX का यानी जो जिम्मेदारी हो बाहर का कोई कंपनी लिया है। और दोस्तों, इसके लिए इस मूवी में खर्चा भी काफ़ी जमदार और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। एक हॉलीवुड से भी ज़्यादा यानी इसमें VFX विज किया जाएगा, ऐसे सुनने के लिए मिल रहा है। अभी तक कोई पाकी खबर नहीं है कि इस मूवी का रिलीज डेट यानी कब तक और कब रखा गया है, लेकिन जिस तरह से सुनने के लिए मिल रहा है, इस मूवी को यानी 2024 में जनवरी को आप लोग को यानी इस मूवी में बड़े बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। और जनवरी में अगर इस मूवी को आप लोग देख सकते हैं तो इस मूवी को यानी उससे 3 महीने पहले आपको ट्रेलर और टीजर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। हमेशा मैं न्यू मूवीज़ के बारे में बात करते रहता हूँ। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करता कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमेशा खुश रहिए। टेक केयर दोस्तों।